तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो है समर स्लैम, जो कि काफी करीब आ चुका है। और गाइस ये एक ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्रीमियम लाइव इवेंट है जहां 2 से 3 रेसलरों का हर साल रिटर्न देखने को मिलता है। तो इस बार भी कुछ रेसलरों का यहां पर सरप्राइजेस और रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आखिर वो कौन कौन से रेसलर हैं जो इस बार सरप्राइजेस दे सकते हैं या फिर रिटर्न दे सकते हैं अपना इस बार समर स्लैम मैच में। क्या वो यहाँ पर रॉमन रेंज होंगे या फिर चार्लेट प्लेयर होंगे या फिर यहाँ पर हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर या फिर रॉक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पर 100% कंफर्म है 2 से 3 रेसलरों का रिटर्न तो पक्का देखने को मिलने वाला है। आइए देख लेते हैं इस वीडियो में। तो गाइस यहाँ पर 100% जो पहला रिटर्न देखने को मिल सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से वो होगा यहाँ पर रॉमन रेंज का रिटर्न। गाइस यहाँ पर काफी समय हो चुके हैं रॉमन रेंज को डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऑफ होते हुए, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम अपना मैच रेसल किया था रेसलमेनिया 40 में। जब से वो कोडी रोड से अपना टाइटल हारे तभी से यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब है। हो सकता है कि यहाँ पर आने वाले मैचेस में यानी इस बार समर स्लैम में अपना रिटर्न देखने को दे सकते हैं। और गाइस यहाँ पर सबसे बड़ा पोटेंशियल इसलिए बताया जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पर सोलो सिको वर्सेस ट्राइबल चीफ मैच होने वाला है, इसी वजह से हो सकता है कि इस मैच में आने के बाद रॉमन रेंज अपना दखल अंदाज दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला यानी कि नंबर 2 पे यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल सकता है दी मैन बैकी लिंच का। वैसे गाइस यहाँ पर अगली बार भी बैकी लिंच का ही रिटर्न हुआ था यहाँ पर समर स्लैम में, तो हो सकता है इस बार भी यहाँ पर इनका रिटर्न देखने को मिल सकता है समर स्लैम मैच में। गाइस यहाँ पर बैकी कुछ दिनों के लिए इंजर्ड थे जिसकी वजह से इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऑफ लेना पड़ा। हो सकता है कि इनका रिटर्न उससे पहले ही देखने को मिल जाए। उसके बाद नंबर 3 पे यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल सकता है बेस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। वैसे यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को एग्जैक्टली 1 साल हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऑफ होते हुए, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम यहाँ पर रेसल किया था अपना मैच समर स्लैम मैच में ही यहाँ पर विंस मैकमैन की वजह से, जिसे ब्रॉक लेसनर को बैन करना पड़ा, जिसकी वजह से ब्रॉक लेसनर एक बार भी यहाँ पर रिटर्न नहीं कर पाया। तो हो सकता है कि यहाँ पर आने वाले मैचेस में समर स्लैम में इनका रिटर्न देखने को मिल सकता है एक बार फिर से। ये भी लास्ट टाइम ये अपना लास्ट मैच यहाँ पर रेसल किए थे समर स्लैम मैच में, तो हो सकता है कि इनका यहाँ पर मैच देखने को मिल जाए इस बार समर स्लैम में। इसके बाद गाइस नंबर 4 यहाँ पर नंबर 4 पे रिटर्न देखने को मिल सकता है दी रॉक का। तो गाइस यहाँ पर दी रॉक जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्मैकडाउन पे यहाँ पर रिटर्न किए थे तो उन्होंने यहाँ पर कंफर्म कर दिया था कि वो काफी जल्द ही रिटर्न करने वाले हैं। गाइस यहाँ पर दी रॉक ने जैसा बोला था ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो लास्ट टाइम जो मैच रेसल किए थे रेसलमेनिया में उसके बाद एक बार भी यहाँ पर दिखाई नहीं दिए। तो गाइस इनका भी काफी पोटेंशियल बताया जा रहा है कि रिटर्न करने के लिए, हो सकता है कि इनका भी यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल जाए आपको। उसके बाद गाइस फाइनली लास्ट यहाँ पर नंबर 5 पे जिसका रिटर्न देखने को मिल सकता है वो होंगे यहाँ पर चार्लेट प्लेयर। वैसे गाइस चार्लेट प्लेयर भी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऑफ हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर निक इंजरी हुआ था जिसकी वजह से इनको यहाँ पर रेस्ट लेना पड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई से। हालांकि गाइस यहाँ पर चार्लेट प्लेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई से मेडिकली क्लियर हो चुके हैं जिसकी वजह से वो कंफर्म है उनका रिटर्न देखने को मिल सकता ही है। तो गाइस यहाँ तक कि आप समझ ही गए होंगे आखिर किस किस रेसलर का यहाँ पर रिटर्न होने वाला है इस बार समर स्लैम मैच में। इनमें से गाइस 2 रेसलर का तो 100% कंफर्म है रिटर्न होने ही वाला है, चाहे वो रॉमन रेंज हो, दी रॉक हो, ब्रॉक लेसनर हो या फिर चार्लेट प्लेयर या फिर बैकी लिंच क्यों ही न हो। यहाँ पर आपके अनुसार आखिर वो कौन सा रेसलर जिसका रिटर्न होने वाला है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।